हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल टेक्नो सरफराज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ WhatsApp के होम स्क्रीन में अपना फ़ोटो कैसे लगाएं। दोस्तों, अगर आपको मालूम नहीं WhatsApp के होम स्क्रीन में अपना फ़ोटो कैसे लगाया जाता है और आप जानना चाहते हैं, तो फिर आज आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है। आज के इस वीडियो में आपको लाइव यहाँ पर लगा करके WhatsApp के होम स्क्रीन में फ़ोटो दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों, देर किस बात की, चलिए फटाफट से इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, WhatsApp के होम स्क्रीन में यहाँ पे फोटो लगाने के लिए सबसे पहले जो है आपको अपने WhatsApp को खोल लेना है। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, यहाँ पे आने के बाद सबसे पहला काम आपको यहाँ पे ये करना है, ऊपर के साइड में थ्री डॉट पर क्लिक कर देना है। सिंपली आपको सेटिंग वाले बटन को क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको सेकेंड नंबर पर चैट का बटन देखने को मिल जाएगा, इस पर जो है आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ पर हल्का नीचे के साइड में आपको जाना है और यहाँ पर चैट बैकअप वाले बटन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, जैसे आप यहां पे आ जाते हैं, सिंपली आपको यहां पे बैकअप वाले बटन पे क्लिक कर देना है। कुछ इस प्रकार से आपको अपना मैसेज का, आपको अपना चैट का बैकअप ले लेना है। इससे बेसिकली ये होगा दोस्तों, आपको मैं आगे बताऊंगा इसका क्या फायदा होने वाला है। तो यहां पे मैंने जो है इसका बैकअप ले लिया। अब दोस्तों, बैकअप लेने के बाद सिंपली आपको जो है एक दूसरा व्हाट्सएप को जो है यहां पे इंस्टॉल करना पड़ेगा। पहला वाला व्हाट्सएप को सिंपली आप यहां पे जाइए और यहां पे अनइंस्टॉल करके डिलीट कर दीजिए। सिंपली आपको दूसरा व्हाट्सएप यहां पे इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसका लिंक जो है आपको हमारे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। यहां पे आने के बाद यहां पे जैसे आप अकाउंट बनाइएगा, अकाउंट बनाते समय दोस्तों यहां पे एक बैकअप का ऑप्शन आपसे पूछेगा। सिंपली आपको परमिशन को यहां पे दे देना है और जितना भी वहां पे मैसेज था सब यहां पे ऑटोमेटिक आ जाएगा, आपका बैकअप अपलोड हो जाएगा। अब दोस्तों, बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ, पुराना वाला व्हाट्सएप के अंदर कोई भी ऑप्शन नहीं होता है व्हाट्सएप पे जो है यहाँ पे लगाने वाला, फोटो लगाने वाला होम स्क्रीन पे। इसीलिए जो हम यहाँ पे ये वाला व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पे आने के बाद सिंपली आपको ऊपर के साइड में थ्री डॉट पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर सिंपली आपको FM मोड वाले बटन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, जैसे आप यहाँ पर FM मोड वाले बटन को क्लिक कर देते हैं, सिंपली आपको हल्का नीचे जाना है और यहाँ पर यूनिवर्सल वाले बटन को क्लिक कर देना है। दोस्तों, यहाँ पर आने के बाद सबसे ऊपर के साइड में जो आपको कलर का बटन देखने को मिल रहा है, सिंपली जो आपको ये वाला बटन पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे आने के बाद थर्ड नंबर पे आपको एक बैकग्राउंड का बटन देखने को मिल जाएगा, सिंपली आपको बैकग्राउंड वाले बटन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे थर्ड नंबर पे फोटो वाले बटन पे क्लिक कर देना है। दोस्तों, जैसे आप यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, आपके सामने तीन ऑप्शन आ जाएगा। सिंपली आपको गैलरी वाले बटन पे क्लिक कर देना है और गैलरी से आपको जो भी फोटो आपके व्हाट्सएप के होम स्क्रीन पर लगाना है, सिंपली आपको वो फोटो को सेलेक्ट कर लेना है। फोटो लेने के बाद कुछ इस प्रकार का जो है पेज आपके सामने आ जाएगा। आप इस फोटो को आगे पीछे कर सकते हैं, बड़ा छोटा कर सकते हैं। उसके बाद सिंपली जो है आपको यहाँ पे सेट वाले बटन को क्लिक कर देना है। दोस्तों, जिसे आप यहाँ पे सेट कर लेते हैं, उसका जो है आपको सिंपली बैक आ जाना है और फाइनली जो है आपके व्हाट्सएप की होम स्क्रीन में फ़ोटो लग गया होगा। चलिए मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। मैंने दोस्तों यहाँ पे व्हाट्सएप को खोल लिया, आप यहाँ पे देख सकते हैं फाइनली व्हाट्सएप की होम स्क्रीन में हमारा फोटो लग गया। इसी प्रकार से आप किसी का भी फोटो व्हाट्सएप के होम स्क्रीन में लगा सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। वीडियो को लाइक करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।